बंजरिया में जमकर लूट। प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी ने जनता से लिए आवास पर 15,000। पीडी साहब ने मामले को लिया संज्ञान, बताया कि मैं आकर करूंगा जांचों की सख्त कार्रवाई। बहराइच के ब्लॉक बलहा के ग्राम पंचायत बंजरिया में सूत्रों के मुताबिक ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी पर आवास के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया गया है। वहीं सूत्र ने बताया है कि प्रति आवास पर 15,000 रुपये प्रधान द्वारा लिए जा रहे हैं। वहीं सूत्र ने यह भी बताया है कि उस पैसे को लेकर बंदरबांट होता है, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी रविंद्र यादव को आधा हिस्सा मिलता है, तब वह ग्राम पंचायत में आवास देते हैं। वहीं ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी ने लिखा है दीवार पर कि कोई भी आवास पर पैसे की मांग करे तो शिकायत करे, कार्यवाही की जाएगी। वहीं ऐसे लोग जमकर ग्राम पंचायत में बाबा की सरकार में लूट डाले हुए हैं। अब देखना यह है योगी सरकार में जिलाधिकारी बहराइच जैसे प्रधान व उनके चमचे व ग्राम पंचायत अधिकारी पर क्या कार्यवाही करती है, क्योंकि योगी सरकार आवास बनवाने के लिए पैसे देती है या प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी को गरीब जनता का घर उजाड़ने के लिए। यह मैं नहीं, वहाँ की जनता बोल रही है। वही उन्होंने बताया है कि साहब बताना नहीं तो प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी परेशान करेंगे। जब इस तरह जनता को लूटा जा रहा है, वही ग्राम निवासी पंच रवि गुप्ता ने मामले को IGRS डाला है। वही ग्राम पंचायत आवास व अन्य कार्यों की जांच की मांग की है। भारत न्यूज चैनल से खास रिपोर्ट, शालू मिश्रा। आपने जो एक आरोप और लगाया है कि ग्राम पंचायत में कच्चा निर्माण कार्य और पक्का निर्माण कार्य के लिए आप प्रशासन से जांच की मांग कर रहे हैं बंजरिया में, जिलाधिकारी खंड विकास अधिकारी यशो नानपारा सीओ नानपारा से आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा, अगर हमारे प्रति कोई भी कार्य किया जाता है, हमारे जान पर कोई हमला किया जाता है, तो इसके जिम्मेदार हुए हैं वही लोग होंगे, इसीलिए आप बाइट दे रहे हैं। आप सच्चाई को लगातार उजागर करते रहेंगे। मैं सच्चाई को लगातार उजागर कर रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं है कि मैंने किसी से पैसा लिया हो। एक बंदा भी नहीं कह सकता कि मैंने किसी से एक रुपए आवास के बारे में या अदरवाइज किसी कार्य के बारे में लिया हो। थैंक यू जानकारी देने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।